जाने सरसों के तेल से कैसे आप अपने बालों की लंबाई को बढ़ा सकते हैं, जाने कैसे आपको सरसों के तेल में क्या ऐड करना है जिससे आपके बालों की रुकी हुई ग्रोथ तेजी से बढ़नी शुरू हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सरसों के तेल के यूज से बालों की लंबाई को तेजी से बढ़ाने का एक नुस्खा बताऊंगी। ये नुस्खा इतना कारगर है कि एक बार के यूज से ही आपके बालों की लंबाई बढ़नी शुरू हो जाएगी। अगर फ्रेंड्स आप अपने बालों में सरसों का तेल यूज करते हैं तो ये नुस्खा आपके बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। फ्रेंड्स, सरसों के तेल में आपको एक दो चीज ऐसी ऐड करनी है जिसकी वजह से आपके बालों की लंबाई तेजी से बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ज्यादा टाइम ना लेते चलिए शुरू करते हैं आज के इस नुस्खे को। आपको एक क्लीन बॉल लेना है और इस क्लीन बॉल में आपको ऐड करना होगा एक चम्मच कलौंजी का। फ्रेंड्स, कलौंजी हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। बालों को तेजी से घना करने का कार्य करती है, बालों को तेजी से काला बना देती है। अगर आप कम उम्र में ही बूढ़े बन गए हैं यानी कि सफ़ेद बाल हो गए तो इसके मात्र एक बार यूज से ही आपके बाल काले होने शुरू हो जाएंगे। और दूसरा, बालों की जड़ों में लगने के बाद ये हमारे बालों को बहुत से पोषक तत्व देता है जिससे बालों की ग्रोथ तेजी से बढ़ती है, नए बाल आते हैं और आपकी गंजेपन की समस्या भी दूर हो जाती है। अब आपको इसमें एक चीज और ऐड करना है जो कि हमारे बालों के लिए वो भी बहुत ही अच्छा माना जाता है, वो है फ्रेंड्स आंवला पाउडर। आपको इसमें एक चम्मच आंवला पाउडर ऐड करना होगा। आंवला पाउडर भी हमारे बालों को तेजी से घना बनाता है और हमारे बालों को स्वस्थ बनाए रखता है। तो आप इसमें एक चम्मच आंवला पाउडर ऐड कीजिए। आंवला पाउडर को ऐड करने के बाद अब आपको इसमें ऐड करना होगा कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल फ्रेंड्स हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, बालों को घना करने का कार्य करता है, बालों को तेजी से बढ़ाता है और बालों की जड़ों की समस्याओं को भी दूर करता है। आप इसमें एक चम्मच कैस्टर ऑयल ऐड कीजिएगा। इसके बाद अगर आप गर्ल्स हैं तो आप इसमें सरसों के तेल के 3 चम्मच ऐड कर दीजिएगा और अगर आप बॉयज हैं तो 1 से 1.5 चम्मच। इस तरह से आप इसमें सरसों का तेल ऐड कर दीजिए। और अगर आपके बालों में डैंड्रफ की समस्या है, आपके बाल दो मुहे हैं और आपके सर में खुजली रहती है या कीड़ा लगा हुआ है तो आप इसमें एक चीज और ऐड कीजिए, वो है 1 चम्मच नींबू का रस। अगर आप अपने बालों में नींबू का रस नहीं यूज करना चाहते, आपको जलन होती है, आपको सूट नहीं करता है तो आप इसमें नींबू का रस ऐड ना करें। मेरे बालों में फ्रेंड्स नींबू बहुत ही सूट करता है तो मैंने इसमें 1 चम्मच नींबू का रस ऐड कर लिया है। अब आप इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। इसके बाद आप इस नुस्खे को ऐसे ही 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स हमने जो इसमें कलौंजी ऐड की है वो इस तेल में अच्छे से मिक्स हो जाएगी यानी कि फूल जाएगी। 5 मिनट के बाद आप इसे अपने बालों में लगाइएगा। लगाने का तरीका वही है फ्रेंड्स, आप अपने इसे बालों में आधे घंटे के लिए लगाकर छोड़ दीजिएगा। सर धोने से पहले आप इसका यूज़ कीजिए, उसके बाद जो भी शैम्पू आप यूज़ करते हैं उस शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर लीजिएगा। वॉश करने के बाद जब आप अपने बालों में कंघी करेंगे तो देखेंगे कि आपके बालों में क्या चमत्कार हुआ है कि आपके बाल कंघी करने पर एक भी नहीं निकला है। फ्रेंड्स एक ही बार में ही आपके बालों की जड़ों को ऐसे मजबूती देगा कि उनका एक ही बार में टूटना बंद कर देगा। तो अगर आप इसका रिजल्ट जानना चाहते हैं कि कैसा है तो आपको इसका यूज जरूर करके देखना होगा। तो आप इसका यूज करके देखिए कि आपके बालों की ग्रोथ के लिए, बालों के लिए कैसा वरदान साबित हो रहा है। तो आप इसका यूज कीजिए, अपने बालों को तेजी से घना बनाइए। तो ये था आज का मेरा नुस्खा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।